रायबरेली में प्याज ने रुलाया, सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा किचन का बजट, तो डीएम हर्षिता माथुर ने संभाली कमान। अभी कुछ दिन पहले टमाटर थाली से गायब हो गया था, प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी की जेब कट रही है। सब्जियों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है, मगर डीएम हर्षिता माथुर ने प्याज के दामों को लेकर एक नया फॉर्मूला अपनाया है कि प्याज सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए लोडर को रवाना किया, जिसमें 25 रुपया किलो की दर से आम लोगों को प्याज उपलब्ध हो सके। सदर क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे पर लोडर में लदा प्याज अब 25 रुपए की दर से आम लोगों को 2 किलो प्याज मिलना शुरू हो गया है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में 60 रुपया किलो प्याज बिक रहा है, वहीं सरकार द्वारा प्याज 25 रुपया किलो मिलना शुरू हो गया है। सस्ता प्याज पाने के बाद सभी उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। क्या नाम है आपका? क्या रेट प्याज बेच रहे हैं आप? 25 रुपए। एक आदमी को कितना दे रहे हैं? एक आदमी को 2 किलो दे रहे हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। बच्चा भी लेकर आ रहे हैं। मिली है जो है कि एक संस्था है, NCCF संस्था है, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से जो है वो नामित है, और हर शहरों में लगभग जो है जो सूचना मिली है 25 रुपए पर किलो के हिसाब से जो है प्याज बेच रही है, और इस सूचना के आधार पे जो है हम लोग जो है उसको जो है सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, और मंडी सचिव को भी निर्देशित किया गया है कि प्याज की जो कीमतें हैं उस पर सतर्क दृष्टि रखें, कहीं जमाखोरी ना हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।